अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक की सिग्निफिकेंस ऑफ सिटी लाहौर। अब लाहौर सिटी की क्या अहमियत है इस कहानी से, जो है द प्रॉपर्टी ऑफ वुमन बाय सारा सुलेरी में, वो आज हम पढ़ेंगे। द सिटी ऑफ लाहौर अपीयर्स टू बी अ लिविंग करैक्टर इन द स्टोरी। ये जो है ना जिंदा करैक्टर की तरह जो है ना इस कहानी में अपीयर होती है। द नरेटर डेलिनेट्स द सिटी एज अ लिविंग एंड रियल करैक्टर। अभी नरेटर जो है ना वो इस शहर को जो है एक जिंदा इंसान एक करैक्टर की तरह इंट्रोड्यूस करवाते हैं करवाती है। द रीडर सीज द सिटी स्प्रिंग समर इन द रेनी सीजन इन विंटर थ्रू द आउट द ईयर। मतलब यानी इसके वो चारों मौसम का जो है इस कहानी में जिक्र किया गया है, बहार का, गर्मियों का, बरसात का, सर्दी का। लाहौर इज़ अ हिस्टोरिक सिटी। लाहौर जो है ना एक तारीखी शहर है। इट हैज़ अंडरगन टू वार्स, इसमें जो है दो जंगें भी जो है ना वो इसने लड़ी हैं, इनसे गुजरा है, एक 1965 वाली और एक 1971 वाली। बट बोथ ऑफ दिस वार्स डिड नॉट अफेक्ट द सॉफ्ट रूटीन लाइफ, आएगा यहाँ पे हार कर लेना रूटीन लाइफ लाहौर। लेकिन इन दोनों जंगों ने वहाँ की जो रूटीन लाइफ थी उस पर कोई असर नहीं किया। वी हेयर द मेलोडियस साउंड ऑफ मैडम नूर जहाँ ड्यूरिंग द 1964, मतलब 1965 की जंग में भी जो है ना मैडम नूर जहाँ के जो गाने हैं ना वो बहुत मशहूर रहे हैं। द नरेटर डिस्क्राइब द स्प्रिंग सीजन ऑफ द सिटी। नरेटर जो है वो लाहौर शहर के जो बाहर का मौसम है उसके बारे में बताती है। द ग्रेट फेस्टिवल ऑफ बसंत, जिसमें जो है बसंत जो पतंगे उड़ाने का वो इवेंट होता है ना उसको मनाया जाता है। द कलरफुल कार्ड्स इन द स्काई, आसमान में हर तरफ जो है ना रंग बिरंगी पतंगे नजर आती हैं। शी डिस्क्राइब द समर सीजन विद द ग्रेट हीट, और वो जो है ना गर्मियों के मौसम को एक बहुत ज़्यादा ग्रेट हीट के साथ, बहुत ज़्यादा गर्मी के साथ जो है ना फील करती है। द टेस्ट ऑफ फालसा एंड जामन, और वहाँ के उसके फलों के बारे में बताती है जो कि गर्मी के फल होते हैं, फालसा और जामन। द विंडोज फिटेड विद द फॉल्स एंड अदर थिंग्स रिलेटेड द समर द रेनी सीजन, अ नंबर ऑफ पैकेट्स अपेयरिंग इन लाहौर। तो यानी वो बताती है, यानी हर चीज़ जो है ना वो उससे रिलेटेड लाहौर के बारे में बताती है, वहाँ के मौसम के बारे में, बरसात के मौसम में होने वाली खास चीज़ों के बारे में, लाहौर में जो है आने वाले साइकेट्स के बारे में। द विंटर सीजन विद जिप्सिस अपेयरिंग इन द सिटी विद गुगु गौरव डेट हैव समथिंग इन कॉमन विद वुडन हॉर्स ऑफ ट्रॉय एंड ब्रिंग बैक एंड द मेमोरीज ऑफ ग्रीक एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट। यानी वहाँ पे घुगू घोड़े जो है ना वो, यानी वहाँ के जो घोड़े हैं ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और इन घोड़ों को जो है ना वो सिंबलाइज किया गया है पास्ट की यादों के साथ ग्रीक के साथ, मतलब क्लासिकल एज जो है ना यूनानी और अलेक्जेंडर की जो एज है ना अलेक्जेंडर दी ग्रेट की एज के साथ इनको जो है ना सिंबलाइज किया गया, क्योंकि वहाँ के भी घोड़े बहुत मशहूर थे और यहाँ पर भी घुगू घोड़े जो है ना वो बहुत फेमस हैं। पथनाड़ी कम्स इन लाहौर इन द विंटर सीजन। पथनाड़ी जो है ना वो लाहौर में सर्दी के सीज़न में आता है। ही कम्स आफ्टर आवरी 17 ईयर, वो 17 साल के बाद आता है। ही एंटर्स लाहौर फ्राम शदरा किंग, अब वो शदरा से लाहौर में जो है एक बादशाह की तरह दाखिल होता है। ही अराइव्स नियर द मीनार पाकिस्तान, वो मीनार पाकिस्तान के पास आते हैं। एंड देन कम्स नियर द श्राइन ऑफ हज़रत दाता गंजबख्श, और फिर जो है ना दाता गंजबख्श के जो दरबार है वहाँ पर पहुँचता है। ही आल्सो स्टेड एट बादशाही मॉस्क एंड विजिट्स द टॉम्ब ऑफ अल्लामा इकबाल, और फिर बादशाही मस्जिद के पास भी आता है और अल्लामा इकबाल के मज़ार पर भी जाता है। इन द वन वे पथनाड़ी थ्रोज लाइट ऑन द लीजेसी ऑफ एंशियंट एंड ऑनरेबल हिस्ट्री ऑफ लाहौर थ्रू हिज विजिट्स लाहौर। मतलब यानी पथनाड़ी के करैक्टर के जरिए में बताया गया कि लाहौर जो है एक तारीखी शहर है, इसमें बहुत से अच्छी अच्छी जगहें हैं जिनको जो है जो कि अपनी हिस्ट्री में एक बहुत अहमियत रखती हैं, बहुत ऑनरेबल जो हैं और इनको विजिट करना चाहिए। गुलबर्ग 5 सिचुएटेड इन लाहौर वेयर टू टाइप्स ऑफ पीपल मिक्स अप विद ईच अदर। अब गुलबर्ग 5 जहाँ पे उसका सारा का घर होता है ना, ये भी एक बहुत अहम जगह है जहाँ पे दो तरह के लोग रहते हैं। द पीपल लाइक द नरेटर एंड हर फैमिली लिविंग इन बंगलाज विद ऑर्चर्ड्स। अब यानी एक तो अमीर क्लास वहाँ पे रहती है जो कि नरेटर की जैसी है, जो कि बड़े बड़े बंगलों में और रहते हैं, उनके घर में जो है बगीचे भी होते हैं। एंड द पुअर पीपल लाइक हलीमा हु वर्क इन द हाउसेज एंड हलीमाज हस्बैंड गुलाम एंड ही वर्क्स एज अ डिगर इन द सुई गैस कंपनी लाइक टुगेदर। अब जो दूसरी वहाँ पे क्लास रहती है ना वो गरीब क्लास है जो कि हलीमा जैसी है। हलीमा लोगों के घरों में काम करती है, उसका शहर जो है सुई गैस के महकमे में जो है खुदाई का काम करता है, और जो है ना द पुअर पीपल लिव इन द मड डवेलिंग डेट ऑलमोस्ट डेलीपेट्स ड्यूरिंग द रेनी सीज़न। और ये जो गरीब लोग हैं ना ये कच्चे गारे के बने हुए घरों में रहते हैं जो अक्सर बारिश के मौसम में गिर जाते हैं, और खुश्क होने पर इनको दोबारा रीबिल्ड किया जाता है। बट द रीबिल्ड इट्स ओन, लेकिन उसको जल्दी दोबारा तमीर कर लेते हैं। सो लाहौर इज़ एन इम्पॉर्टेंट करैक्टर इन द स्टोरी। तो इसलिए जो लाहौर है ना वो स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है, पूरी स्टोरी जो है ना वो लाहौर सिटी के गिर्द रिवॉल्व करती है। तो इसलिए लाहौर जो है ना इस स्टोरी में एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रखता है, एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ये था इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।